दोस्तों, क्या आप भी YouTube पर एक ऐसे चैनल क्रिएट करना चाहते हो जिसका जो कंटेंट है, जिसका जो वीडियोस है, वो आप टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से क्रिएट करते हो, या फिर ऑलरेडी आपने ऐसा चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसका वीडियोस आप टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से क्रिएट करते हो, और आपके मन में भी ये डाउट है कि हमारा इस तरह का कॉन्टेंट जो है, इस तरह का जो चैनल है टेक्स्ट टू स्पीच वाला, वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा? तो अगर आपके मन में इस तरह का डाउट हो रहे हैं, इस तरह का सवाल बन रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सारा सवाल का जवाब देने वाला हूँ। आपके मन में जो भी डाउट हो रहे हैं वो सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बता दूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि टेक्स्ट टू स्पीच होता क्या है, तो इसको पहले बता देता हूँ कि टेक्स्ट टू स्पीच क्या होता है। सपोज आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो और वो वॉइस ओवर वीडियो है, और आप वॉइस अपना नहीं डाल करके टेक्स्ट टू स्पीच डाल रहे हो, मतलब कि आप कोई एक दो पैराग्राफ लिखते हो और इसे किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन की मदद से आप इसे वॉइस में कन्वर्ट करते हो और उसको अपने वीडियोज में लगाते हो, ये हुआ आपका टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप भी इस तरह के वीडियोज बनाते हो तो आपके मन में डाउट होता होगा कि इस तरह का वीडियो, इस तरह का चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो आज मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने वाला हूँ, आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि बारीकी से आपको एक एक चीज समझना है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिले और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सके। दोस्तों, बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे मिलेंगे आपको यूट्यूब पर जो कि फेस कैम वीडियो नहीं बनाते हैं और उनका जो वीडियो होता है वो वॉइस ओवर होता है, और वॉइस ओवर भी ऐसा जो कि आपका टेक्स्ट टू स्पीच से क्रिएट किया हुआ है, और बहुत सारे सोचते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों, अभी के टाइम पे यूट्यूब पर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला कॉन्टेंट, टेक्स्ट टू स्पीच जो चैनल रहता है वो मोनेटाइज नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्टेंट मोनेटाइज नहीं होगा। तो अभी के लिए आप हाँ इसे मान सकते हो, हाँ आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर हमेशा नया नया रूल आते रहता है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी चेंज होता रहता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्टेंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको दो रीजन देने वाला हूं जिससे आप समझ सकते हो अच्छे से, और आप खुद डिसाइड करना कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच कंटेंट बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो दोस्तों, पहला रीजन है यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यूट्यूब हमेशा नया नया रूल लेकर के आता है और मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी चेंज करता रहता है समय समय पर। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ऐसा रूल अनाउंस कर दे कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला कॉन्टेंट ऐसे चैनल को वो मोनेटाइज नहीं करेगा, और इसके पीछे वो लॉजिक दे सकता है जो मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है वो बोल दे कि टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्टेंट जो होता है उस पर ना तो आपका फेस होता है और ना ही आपका वॉइस होता है, और वॉइस अगर होता भी है तो वो कन्वर्टेड रहता है टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब कि वेबसाइट से या फिर किसी एप्लीकेशन से वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। तो हो सकता है कि इस रीजन को देते हुए यूट्यूब बोल सकता है कि मेरा जो पॉलिसी है उसमें आपका या तो फेस होना चाहिए या तो वॉइस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। तो अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्टेंट बना रहे हो तो वो मोनेटाइज नहीं करेगा, एक रीजन ये हो गया। और दूसरा कारण ये है कि आप इससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे। अगर आप भी टेक्स्ट टू स्पीच बनाते हो वीडियो तो आप इससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, मतलब कि आप अपने आप पे इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे क्योंकि आप ना तो फेस दिखा रहे हो अपना, ना ही वॉइस दे रहे हो उस वीडियो पे। आप जो भी वीडियो बना रहे हो वो टेक्स्ट टू स्पीच बना रहे हो, तो आप अपने आप में क्या सुधार करोगे? आप देखोगे जो लोग वॉइस ओवर वीडियो बनाते हैं वो कुछ वीडियो बनाने के बाद, 30-40 वीडियो बनाने के बाद उनके बोलने का स्टाइल अच्छा हो जाता है, या फिर जो लोग फेस कैम वीडियो बनाते हैं मेरी तरह वो स्टार्टिंग में अच्छे से बोल नहीं पाते, कैमरे की वजह से डर जाते हैं, और ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होता है। लेकिन कुछ वीडियो बनाने के बाद, 30-40-50 वीडियो बनाने के बाद उनका जो फेस कैम वीडियो होता है उसमें वो डरते नहीं है और अपने आप को इतना इंप्रूव कर लेते हैं कि उनका वॉइस में भी एक्सप्रेशन रहता है, मतलब कि वो बिना डरे बिना हिचकिचाहट के आसानी से कैमरे के सामने बोल पाते हैं। तो इससे उनके बॉडी में उनका जो सुधार होता है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है, अपने आप को वो इंप्रूव करते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच बनाते हो वीडियो तो आप अपने आप में कोई सुधार नहीं कर पाओगे क्योंकि आप जो है उसमें कोई मेहनत कर ही नहीं रहे हो, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कुछ सीखोगे भी नहीं। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से आपको टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्टेंट नहीं बनना चाहिए। बाकी मोनेटाइजेशन का जो बात है, तो हाँ अभी के टाइम पे आपका टेक्स्ट टू स्पीच वाला चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर का ना ही आपको पता है ना ही मुझे पता है। यूट्यूब कोई भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेंज कर सकता है, कभी भी नया रूल ला सकता है, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी से आप अलर्ट हो जाइए, और अगर आप इस तरह के वीडियोज बनाते हो, अगर आप दो चैनल बनाना चाहते हो, जिसको पहला चैनल जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच है, इसे आप ग्रो करके सेकेंड चैनल को ग्रो कराना चाहते हो, तो आप इस तरह के वीडियोज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमेशा के लिए इन फ्यूचर इसी पर डिपेंड मत हो जाना। अगर आपका इस तरह का कॉन्टेंट है, अगर आप इस तरह का चैनल बना भी रहे हो, तो भी आप एक अलग से नया चैनल क्रिएट कर लो और उस पर आप अपना वैल्यू ऐड करो, या तो फेस कैम वीडियो बनाओ या फिर वॉइस ओवर करो, और उस चैनल को भी साथ साथ ग्रो कराते रहो। तो अभी के टाइम पे आप
टेक्स्ट टू स्पीच वीडियो को मोनेटाइज करवा सकते हो, चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम के कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि आप इस तरह के वीडियोस मत बनाओ। बाकी वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको सार को समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ को वॉच कर सकें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो तक के लिए। बाय।